अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी अपने टीचर्स को टाइम पे सबमिट करा रहे होंगे। एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डन विद चैप्टर नंबर 5। वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अलजेब्रा। एंड हमने इतना डीपली अलजेब्रा में बात नहीं की। यू आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास अलजेब्रा के बारे में और डेप्थ में। अब तक के लिए अलजेब्रा में इतना ही था। फॉर योर लेवल यू गाइज आर स्टडीइंग ग्रेड 3 और इतनी इन्फॉर्मेशन अलजेब्रा की अभी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस स्टॉप नहीं करनी, रिलेट करते रहिएगा चीज़ों को एक दूसरे के साथ। आज हम कोई चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं, जो कि एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्योमेट्री। ज़रा पेज खोल लीजिए, बुक्स निकालिए अपनी, 103 ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। एंड ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ में यहाँ पे बातें की गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग, मगर प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ख़रीदना है ज्योमेट्रिकल बॉक्स। आपने ज्योमेट्री का बॉक्स ख़रीदना है, इसलिए क्योंकि आगे आपको ज़रूरत आएगी, ठीक है। एंड सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग ज्योमेट्री आई स्पाई विद माई लिटिल आई। ये एक स्टोरी है, आप सब जानते हैं ना, जब हम डे 1 शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर का तो हम लोग एक स्टोरी से आगाज़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को हिंट मिले और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल गाइड मिले कि आप बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं आगे चैप्टर में, किस चीज़ का जिक्र करने वाले हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो वही सब बातें हमने आज डिस्कस करनी हैं यहाँ। तो आइए स्टडी करना शुरू करते हैं, रीड करते हैं स्टोरी को, मेरे साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएं, साथ साथ अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी। फौजिया एंड हर फ्रेंड्स वर प्लेइंग एट फौजियाज हाउस। फौजिया सेड लेट्स प्ले आई स्पाई विद माई लिटिल आई। फौजिया के जो फ्रेंड्स थे वो खेल रहे थे फौजिया के घर, और उन्होंने सोचा कि आओ एक गेम खेलते हैं, आई स्पाई विद माई लिटिल आई उन्होंने नाम रखा। हर बच्चा गेम खेलता है ना, तो उन्होंने अपने तरीके के नाम बनाए हुए होते हैं गेम्स के। सोनिया सेड आई डोंट नो हाउ टू प्ले दिस गेम फौजिया। फौजिया कामली एक्सप्लेन्ड। फौजिया ने बेसिकली कहा, सोनिया ने फौजिया को कहा कि मुझे तो नहीं पता ये गेम किस तरह खेलते हैं। आई विल कॉल आउट अ शेप एंड यू हैव टू फाइंड इट ईदर नियर यू और अराउंड यू। मैं किसी भी शेप का नाम लूँगी और आपने ये बताना होगा कि वो किधर है, आपके करीब है या आपके इर्द गिर्द किधर है बेसिकली। सोनिया सेड हैप्पीली इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सोनिया ने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। फौजिया सेड वी कैन प्ले फॉर द शेप्स, नाउ लेट्स प्ले। हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, वी कैन प्ले फॉर द शेप्स, हम शेप्स के लिए खेल सकते हैं। सोनिया सेड बट आई डोंट नो आई डोंट नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो सोनिया थोड़ी परेशान थी, एक तो उन्हें ये नहीं पता था कि गेम किस तरह खेलते हैं, दूसरा वो इसलिए परेशान थी कि उन्हें शेप्स के नाम का नहीं पता था। फौजिया सेड लुक द शेप विच हैज़ नो कॉर्नर एंड इट्स बाउंड्रीज कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट इज़ अ सर्कल। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सर्कल को एक्सप्लेन कितने ब्यूटीफुली किया गया है, कि ऐसी शेप जो कि सर्कल से मिलके बनी है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन से नहीं कर्व लाइन से मिलके बनी है, जिसकी कोई स्ट्रेट या कोई पॉइंट नहीं है और कोई कॉर्नर नहीं है, इक्वली कर्व लाइन बनी हुई है एंड डिस्टेंस भी इक्वल है फ्रॉम सर्कल सेंटर पॉइंट, उसे हम सर्कल कहते हैं। कर्व लाइन से भी मिलके बना है, सेंटर पॉइंट से हर साइड अगर हम मिलाएं तो वो होगी इक्वल। तो ऐसे शेप को उन्होंने कहा है सर्कल कहते हैं। दिस प्लेट इज सर्कल एंड व्हील ऑफ अ कार आर आल्सो सर्कल। कहने लगी कि देखिए प्लेट होती है ना, वो भी सर्कल होती है, और जो गाड़ियों के व्हील्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्कल। शी पॉइंटेड आउट सोनिया
asked, what is the difference between square and rectangle? उन्होंने फिर कहा कि ज़रा मुझे ये बताएं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है. फौजिया रिप्लाइड, बोथ शेप हैव फोर साइड विद फोर राइट एंगल्स. फौजिया ने रिप्लाई किया कि दोनों जो शेप होते हैं ना उनकी साइड्स इक्वल होती हैं और फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं ना, हम आगे डिस्कस करेंगे. ये सब चीज़ें अंडरलाइन कर लें. द डिफरेंस इज दैट द रेक्टेंगल हैज़ टू अपोजिट साइड इक्वल एंड स्क्वायर हैज़ ऑल फोर साइड्स इक्वल. तो उन्होंने बताया पहले सिमिलैरिटी किन किन चीज़ों में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, कि दोनों की चार साइड्स होती हैं और दोनों के पास चार राइट एंगल ट्राइंगल्स होते, चार राइट एंगल्स होते हैं, फोर राइट एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल नहीं होता. ऑल राइट, बिकॉज यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं. अब वो बता रही हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में. सो द डिफरेंस इज दैट द रेक्टेंगल हैज़ टू अपोजिट इक्वल साइड्स एंड द स्क्वायर हैज़ फोर इक्वल साइड. अब आपने इसको भी नोट कर लीजिए कि आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल बना के उनकी डिफरेंस लिखना है, कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल. मगर जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं एक्सक्यूज में, तो रेक्टेंगल की टू ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, चारों की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. मगर यस, उनके पास फोर राइट एंगल्स ज़रूर होते हैं. ठीक है, सो व्हाट, तो सब जो है बेसिकली, बुक इज़ रेक्टेंगल एंड बोर्ड ऑफ चेस इज स्क्वायर. बुक जो होती है वो रेक्टेंगल होती है और चेस का जो बोर्ड होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं, स्क्वायर. वेरी गुड. सो व्हाट इज़ द ट्राइंगल? सोनिया ने तजस्सुस से पूछा कि ट्राइंगल क्या होता है. तो फौजिया टोल्ड हर दैट अ ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल, हैंगर स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा आर ट्राइंगल. नाउ लेट्स प्ले. तो फौजिया ने बताया, फौजिया वॉज वेरी स्मार्ट, राइट. देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन है फौजिया के पास. फौजिया ने बताया कि ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, ठीक है, और तीन एंगल भी बन रहे होते हैं, तीन साइड तीन एंगल. अब उन्होंने कहा आइए गेम खेलना शुरू करते हैं. फौजिया कॉल्ड आउट, अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को होमवर्क में दूँ, आप अंडरस्टैंड करके मुझे बताएँ फ्यू लाइन्स में लिख के कि आपको समझ आया है या नहीं आया है. आपकी पेज नंबर 103 में नेक्स्ट पैराग्राफ आपने समझना है. समझ के रीड कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन लगाइए और लिखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग. लिखिए दो तीन लाइनों में आपने अपने टीचर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना है कि आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड किया तो आपको क्या समझ आया. होमवर्क का सबमिशन का इंतज़ार रहेगा. कॉल आने पे टीचर्स की अपने होमवर्क सबमिट करा दीजिएगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह ज्योमेट्री को और डेप्थ में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय.